देख सकते हैं आप जैसे कि ये कूलर फैन है, हाथ से घुमाने पर बिल्कुल फ्री घूम रहा है और इसमें बुश नहीं, इसमें बैरिंग लगे हुए हैं। फ्रेंड अब दिक्कत ये आती है कि इसे जब बिजली से चलाते हैं, करंट देते हैं, तो इस तरीके की घो घो की आवाज़ इसमें आने लगती है और जैसे कि ये हाथ से घुमाने पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, ऐसे जाम होगी जैसे कि किसी चीज़ से पकड़े हुए हो। फ्रेंड्स अब हमें चेक करना होगा कि कूलर में आखिर हुआ क्या है, तो हमने मल्टीमीटर उठा लिया है और मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं पहले इन वायर को कि कभी इनका सर्किट शॉर्ट होकर के कट तो नहीं गया, ये सर्किट सही है। और इधर से कैपेसिटर चेक कर लेते हैं, तो जो कैपेसिटर वाली वायर है ये भी इसमें बोल रही है सही और सेकंड वाली भी सही बोल रही है। और फ्रेंड अब फाइनली हम अपना कैपेसिटर चेक करते हैं कि कैपेसिटर सही है कि नहीं है, तो कैपेसिटर भी ये सही है और इसको बिजली पर चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर बिल्कुल सही है हमारा। फ्रेंड अब इसमें क्या दिक्कत है कि ये मोटर जो है अब फ्री घूम रही है और बिजली पे जाम हो रही है। चलिए इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके इसको देखते हैं कि कवर अड़ रहे हैं या वाइंडिंग में कोई कमी आ चुकी है। फ्रेंड सबसे पहले इसका हम ओपन कर लेते हैं बोल्ट, इसके चारों बोल्ट हमें जो है ओपन करने होंगे, जिससे कि फ्रेंड्स ये हमें मार्किंग करनी होगी इस पर ताकि हमें दोबारा कवर आसानी से हमारे बैठ जाए। फ्रेंड फिर ये वाला बोल्ट भी हम फाइनली इसका पूरा अलग कर लेते हैं। फ्रेंड ये रोड सब निकल चुकी हैं, अब हमें इसमें से सबसे पहले कवर हटाने होंगे। तो कवर का हटाने का क्या तरीका है, ये बैरिंग है इसमें देख लेते हैं लूज़ है या टाइट है दादा। अरे ये तो बहुत लूज़ है, चलिए तो इसका कवर हटा लेते हैं। ये बैक कवर है इसका जिसमें बैरिंग लगा हुआ है और ये इसका फ्रंट कवर है इसमें भी बैरिंग लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हमें चेक कर लेते हैं हमारी वाइंडिंग कहीं से ख़राब तो नहीं है, तो जहाँ तक लग रहा है कि वाइंडिंग बिल्कुल साफ़ है और इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो बॉडी अर्थ भी चेक कर लेते हैं, तो वाइंडिंग हमारी बॉडी से अर्थ भी नहीं है, यानी कि हमारी वाइंडिंग सही है। फ्रेंड देख लेते हैं हमारे बेरिंग में चाल तो नहीं है, तो इसमें चाल तो नहीं लग रही और इसमें सापड़ लगा करके देखते हैं। ये सापड़ बहुत लूज़ है जिसकी वजह से कवर में काफ़ी प्ले हो रही है इस तरीके की, है ऊपर नीचे हो रहा है बहुत। और फ्रंट में भी देखते हैं इसमें भी प्ले तो नहीं है, फ्रंट वाले में प्ले बहुत कम है, इसमें नहीं है, थोड़ी बहुत है और इसमें बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड हमें इसमें करना होगा कि ये हमारी सापट बहुत ज़्यादा कटी हुई है। फ्रेंड्स ये सापट हमारी बहुत ज़्यादा कट गई है जिसकी वजह से हमारा कवर अड़ रहा है, ये बेरिंग इधर से रोटर पूरी तरह से हमारा कोर में अड़ने लगता है जिसकी वजह से मोटर जाम हो जाती है, ये कोर में अड़ता है और मोटर जाम हो जाती है। तो ये कवर जो हमारी साफ्ट है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो हमें अभी ये साफ्ट बनवानी होगी जो खिराज मशीन पे बनेगी, बट इस लॉकडाउन के टाइम पे ये साफ्ट नहीं बन पाएगी, तो इसलिए इसमें हमें कट लगा करके जुगाड़ करना होगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड इसमें हमें लगानी पड़ेगी चोट हल्की हल्की ऐसे नोक के लिए, किसी भी पंच से आप इसमें लगा सकते हैं सापट। फ्रेंड जिधर साइड से ज़्यादा कटा हुआ उधर ज़्यादा गहरी चोट लगानी है, जैसे कि इधर से बहुत ज़्यादा कटा हुआ है सापट, इधर काफ़ी गहरी कटी हुई है तो इधर की तरफ ज़्यादा चोट लगानी होगी हमें। फ्रेंड कुछ इस तरीके से सापट को जो है हमें जगह जगह से छेद कर लेने हैं इसमें, यानी कि होल नहीं आर पार ये छेद देना है इसको, तो ये इस तरीके से उड़ जाएगी ये सापट जहाँ जहाँ से, तो ये सापट हमारी थोड़ी टाइट हो जाएगी, तो यानी कि लॉकडाउन में हमारा काम बन सकता है। तो वापस से फ्रेंड इसको फिर से जो है फिटिंग करते हैं इसकी और चेक करते हैं कि हमारा जो काम हमने किया है ये कम्प्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रेंड ये कवर इसका हमने फ्रंट वाला लगा लिया है और अब इसमें लगाना है बैक कवर। बैक कवर में जैसे ही इस पे वायर हैं दोनों निकालने होंगे।
और अब इस कवर को इस पे बैठा देना है। तो जैसे कि ये सापट काफ़ी टाइट हो चुका है अब, और उम्मीद है कि सही हो जाएगा। अब इसकी रॉड डालेंगे फ्रेंड। तो इसकी एक रॉड हम डाल लेंगे पहले वाली ये, और उसके बाद में इसके ठीक सामने की दूसरी रॉड डालेंगे। और इस पे भी हमें नट चढ़ा देना है। तो फ्रेंड्स, ये नट इसमें लगाने के बाद हमें इसको हल्का हल्का सा हाथ से सहारना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है प्लास से। और इसे देखते हैं कि ये घूम रहा है कि नहीं। तो ये हल्का सा डवाघा सा रहा है, तो इसमें हल्का हल्की चोट लगा लेंगे। और ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री घूम रहा है, यहीं पे इसको पैक कर। तो हल्का सा प्लास से इसको टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो ये फिर से अड़ने लगा, तो इसमें हल्की हल्की सी चोट लगा करके इसको एडजस्ट करना होगा। ये यहाँ बिल्कुल फ्री घूम रहा है इस टाइम, इसको फिर से हल्का सा और टाइट कर लेते हैं। मोटर को चल रहा है कि नहीं। तो जैसे कि मोटर हमारा चलने लगा, तो इसमें शाफ्ट में कमी थी जिस वजह से मोटर नहीं चल रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से अब चलने लगा है, घू घू की आवाज़ नहीं कर रहा है। अभी इसमें केवल हमने दो बोल्ट लगाए हैं, अब बाकी के दो बोल्ट लगा देने हैं। और ये मोटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।